मैं हूं विनीता, आप देख रहे हैं बीइंग पॉजिटिव विद विनीता। सत्संग, ये सबको पता है, सत्संग यानी सत के साथ संग, मतलब ऐसे लोग जो सत्यवादी हों, धर्म पे चलते हैं, उनको बोलते हैं सत्संग, उनका संग करना। आज मैं छोटा सा प्रसंग बताना चाहूंगी आपको। सच्ची बात है, एक बार स्टेज पे जैसे एक भागवत जी कथा सुन चल रही थी, बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन हो रहे थे, तो क्या हुआ, एक वृद्ध व्यक्ति था, काफी वृद्ध था, जैसे देखने में 90 से ऊपर होगा, काफी वृद्ध हो चुका था, और उनको उनके हाव भाव से लग रहा था कि उनको कुछ दिखता भी नहीं है और सुनता भी नहीं है, लेकिन दिख तो थोड़ा बहुत जाता था, क्योंकि वो बीच बीच में ऐसे शो कर रहे थे कि दिख रहा है, लेकिन कानों से बिल्कुल बहरे थे वो, लग रहा था। तो वो सबसे पहले स्टेज पे आके गुरु जी के आगे सबसे आगे बैठ जाते थे। सब लोग उन्हें बहुत दिन तक देखा कि भागवत जी 7 दिन की होती है, 6 दिन तक वो आते, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उन्हें पता था, कुछ आस पड़ोस के लोग भी थे। तो एक बार एक उनके पड़ोस का व्यक्ति था, उन्होंने महाराज जी से जाके कहा कि इनको इनको न सुनता न ढंग से दिखता, लेकिन आपके सत्संग में आते हैं, जरा इनसे पूछिए क्या फायदा है, क्यों आके बैठ जाते हैं, एक जगह ही घिर दी है। तो महाराज जी ने बुलाया अपने स्टेज पे, इशारे से उन्हें बुलाया, लेकिन दिख गया उन्हें, थोड़ा बहुत दिखता था। जब उन्हें दिख गया तो महाराज जी के पास जाके उन्होंने बोला, इशारा करा ऐसे, तो उस महाराज जी ने उनके कान के पास जाके वृद्ध व्यक्ति के पूछा, बाऊ जी क्या आपको कुछ सुनता है, 6 दिन से आप भागवत जी सत्संग सुन रहे हैं? तो उसने कहा, इशारा मुझे कुछ नहीं सुन रहा, तुम क्या बोल रहे हो? महाराज जी ने और सत्य बोला, मैं कह रहा हूं आपको जब सुनाई देता सत्संग में क्यों आते हो? उसने फिर इशारा करा बुजुर्ग व्यक्ति ने कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा। अब उन्होंने महाराज जी ने कहा, एक कॉपी पेन मंगवाया, उनको वृद्ध व्यक्ति को अपने पास ही बैठा लिया, एक कुर्सी पर गद्दी पर बैठा लिया, और एक कॉपी पेन मंगवाया, उसमें लिखा कि आपको जब सुनाई नहीं देता तो आप यहाँ पे क्यों आते हो, दिखाई भी कुछ खास नहीं दे रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कोई व्यक्ति एक दिन आके रुक गया, 2 दिन और थोड़ी घड़ी के लिए आता है, लेकिन आप पूरे 6 दिन लगातार आए हो, क्या कारण? उन्होंने कागज पे लिख के उन वृद्ध व्यक्ति को दे दिया। वृद्ध व्यक्ति ने वो धीरे से अपने आंखों के पास ले जाके उसे देखा और फिर उसका उत्तर लिखना शुरू करा। सत्संग, सत्संग का अर्थ क्या होता है कि परमात्मा का जो आपके दूसरे सत्पुरुष के मुखारविंद से जो प्रवचन अच्छी बातें निकल रही हैं, परमात्मा के द्वारा हमारी आत्मा में प्रवेश करना। मैं आपकी बातें सुन के परमात्मा वो सारे प्रवचन मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और मेरा जो तीसरा नेत्र यहाँ पर है मैं उसे खोलना चाह रहा हूँ, मुझे बहुत ही ज्ञान मिल रहा है, चाहे मैं सुन नहीं रहा हूँ लेकिन मेरे पूर्ण प्रवाह मेरे अंदर हो रहा है आपके ज्ञान प्रवचनों का। जब महाराज जी ने उनका उनके ये विचार सुने तो वह बहुत ही हिल गए, कह रही ये तो बहुत ही पूछे हुए हैं। अब उन्होंने दूसरा अपना प्रश्न लिखा कि आप सबसे आगे आके क्यों बैठते हैं, मैं देखता हूँ सबसे आगे आप लोगों को हटा हटा के सबसे आगे बैठते, मेरे जो मेरा जो गद्दी लगी हुई है उसके थोड़ी सी दूरी आप बैठते हैं। तो फिर उन्होंने उत्तर लिखा कि महाराज जी, मतलब कॉपी पेन पे लिखा, महाराज जी पहले जब मैं सत्संग सुनने आता था तो मैं एक दिन अपने दूसरे दिन, पहले दिन मैंने सुना, मैंने सुनाई तो कुछ देता नहीं, लेकिन मैं अनुभव करता था परमात्मा मेरे अंदर प्रवेश करते, अनुभव करता था आपके ज्ञान को। दूसरे दिन मैं अपने बेटे को जबरदस्ती ले आया हाथ पकड़ के कि तू भी सुन, वो मेरे साथ उसने सुना तो उसे अच्छा लगा। तीसरे दिन वो अपनी पत्नी को ले आया, चौथे दिन वो दोनों मिलके अपने बच्चों को ले आए, ऐसे करके आज छठा दिन मेरा पूरा कुटुंब, मेरी पत्नी का तो ध्यान हो चुका है, आज मेरा मेरे बच्चों का पूरा कुटुंब यहाँ पे एकत्रित है, वो जैसे जैसे आए थे मैं सबसे आगे बैठा हूँ, मेरे पीछे मेरा बेटा बैठा है, उसके पीछे उसकी पत्नी बैठी है, उसके पीछे उसके 2-3 बच्चे बैठे हैं, ऐसा मेरा कुटुंब जुड़ चुका है, जो कि सत्संग के में जो ज्ञान प्रवाह हो रहा है उसे अपने अंदर उतार रहे हैं। ये होता है सत्संग का, मतलब सत्संग का फल, जैसा हम अच्छे लोगों से साथ करेंगे तो उसका पूरा परिवार ही बदल गया, ऐसा हमारा परिवार भी बदल गया जाता है। हमें सदा सत्संग ही करना चाहिए, प्रवचन जहाँ भी हो रहे हो अपने समय निकाल के थोड़ा बहुत हमें उसमें जरूर जाना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए, हमारे इससे हमारे बुरे लेख बदलते हैं, हम जो लिखवा के आए हैं
हम कहते हैं हर हर गंगे हर हर महादेव, उसमें जब बोला जाता है काल हर संकट हर दारिद्र हर रोग हर संकट हर, ये जो रोज बोला जाता है इससे हमारे हमारे दुख दर्द मिटते हैं, हमारे बुरे कर्म मिटते हैं, प्रभु के हम निकट जाते हैं। इसलिए हमें सदा ही अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। जहां भी प्रवचनों में बार बार कहती हूँ, वहां जरूर जाना चाहिए। ज्ञान प्रवाह हो उसको अंदर, ज्ञान को अपने, चाहे हम हमारी आंखें कमजोर हैं, हमारे कान नहीं है, हम बोल नहीं सकते, और अगर हमारी सारी इंद्रियां ही ठीक है, 10 की 10 इंद्रियां, उसका तो बल्ले बल्ले, उसका तो कहना ही क्या। हमारे अंदर जरूर उतारना चाहिए रस प्रवाह। ये जन्म में तो हमारी कुछ कमी होगी, आने वाले जो जन्म है वो हमारे सफल हो, हमारे शरीर में कोई कमी ना रहे। इसलिए सदा सत्संग कीजिए, प्रवचन सुनिए, ज्ञान अर्जित कीजिए और अच्छे लोगों का साथ कीजिए। बस मैं अपनी बात पे यहीं पे विश्राम देती हूँ। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, प्रवचन सुनिए। आप तो टीवी चल गया, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और अब अगर हमें सीधा ही स्टेज पे सुनने को मिल जाए तो उसकी बात ही क्या, क्योंकि आमने सामने जो उनके अंदर से जो उनकी वाणी से जो शब्द निकले डायरेक्ट हमारे अंदर जाते, उसके तो बात ही क्या। लेकिन फिर भी अगर आप बाहर नहीं जा सकते, टीवी रेडियो कैसे भी माध्यम से अपने अंदर ज्ञान अर्जित कीजिए, और अगर हमें कुछ ज्ञान मिल गया तो उसे आगे लोगों में बांटिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे।